Hi friends, welcome back to my channel. Last week I was little busy for the year ending, इसलिए कुछ वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा था. निफ्टी मार्केट कुछ भी स्टॉक जो भी है कोई ट्रैक वगैरह कुछ नहीं कर पा रहा था. मार्केट में कुछ ध्यान नहीं लगा पाया, टोटली ऑफिस का काम में बिजी था. अभी तक भी प्रेशर में हूँ, कुछ टाइम मिला है अभी वीडियो बना रहा हूँ. लास्ट वीक निफ्टी में बहुत धमाल मचा दिया. लास्ट वीक 1.3% एक पॉजिटिव साइन में बंद हुआ था, जिसका लो हुआ है 99.58.80. बढ़िया था. अभी तक जो निफ्टी का व्यू देख पा रहा हूँ उसमें भी एक पॉजिटिव ट्रेंड आ गया है. मैं जब पोस्ट किया था लास्ट जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने RSI का एक लेवल दिया था, जिसमें आप देख पा रहे हो उस लेवल अभी तक ड्रॉ हुआ है, जिसमें मैं दिखा था कि इसमें जो है वो रिवर्सल आएगा और एंड वही हुआ है. इसमें से ये रिवर्स आ गया है. तो रिवर्स जहाँ से आ गया है नियर अबाउट 150-60 पॉइंट्स आपको आप लोगों को रिवर्स मिल गया है. अभी निफ्टी जो है वीकली बेसिस में अगर बोलो कि निफ्टी कहा जाएगा तो अभी इस वीक थोड़ा बुल एंड बियर में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट करेगा. अभी भी मेरा जो सपोर्ट है वही है, ये वाला लास्ट जो सपोर्ट था 10,040 जो लास्ट सपोर्ट है, एंड द सेकेंड वन इज 9,980. ये सेकेंड सपोर्ट अभी तक बरकरार है. कुछ स्मॉल सपोर्ट आपको अगर चाहिए, स्मॉल और मेजर जो भी है ये सपोर्ट आपको अगर चाहिए तो आपको लास्ट जो लो बनाया है उसको आपको देखना चाहिए एक लॉन्ग टर्म के लिए सपोर्ट के लिए. तो 9,950 आपको इनिशियल स्टेज में एक लॉन्ग टर्म के लिए सपोर्ट रखना चाहिए. फॉर वन और टू वीक्स के लिए आप भी रख सकते हो, क्योंकि हो सकता है कुछ पैनिक में अगर कुछ कैंडल गिर भी जाए, कैंडल ये लेवल तोड़ के फिर से रिवर्स आ सकता है. ऐसे कुछ मार्केट में नेगेटिव नहीं देख पा रहा हूँ अभी तक, जो है पॉजिटिव है. कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा, हो सकता है 10,040 में एक बार कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो नियर अबाउट यहाँ से 60-70 पॉइंट का गिरावट आ सकता है, फिर से रिकवरी आ सकता है. अगर मैं और दो इंडिकेटर से थोड़ा क्विक रिव्यू देख लूँ तो RSI में जो रिव्यू था, मेरा इंडिकेटर मैं बांध भी बोल रहा हूँ, अगर मैं ये जो CCI उडिस का है वो 821 है नीचे, और मिडिल वाला 50 है और 49 है जो भी है. तो इसमें जो देख पा रहा हूँ अगर मैं थोड़ा छोटा करके मैं देखाऊँ तो ये जो WCCI ये एक वन वैल्यू पर है एंड TCCI -86 वैल्यू पर है. तो इसमें एक बार JLR का बोथ साइड JLR का एक बार जीरो लाइन रिजेक्ट का एक बार इंडिकेशन दे दिया था, मगर उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं आया. तो हो सकता है अगर ये TCCI एक बार हुक बना दे तो ये हो सकता है एक बार रैली दे सकता है. मगर मेरे ख्याल से TCCI को -100 तक एक बार टच होना चाहिए, उसके बाद जो हुक आएगा उससे एक बार पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है. एंड मेरे हिसाब से मेरे इंडिकेटर ऑलरेडी एक बार सेल्फ मार्क दे दिया है, तो इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत एक बार प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है. जो ऊपर जितना प्रॉफिट बुकिंग हुआ था, ऊपर जितना भागा था उसके हिसाब से एक बार प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है. एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट कि प्रॉफिट बुकिंग कितना तक आ सकता है, 1,040 द मेन थिंग.
ये आपको एक बार मान के देखना पड़ेगा, उसके बाद आप एक बार लेवल पे ट्राई करो जो लेवल मैंने दिया हो। मेरे लास्ट में मैं बोल रहा हूँ, अभी चल रहा है 10,113 स्पॉट पे, आपका स्पॉट सपोर्ट है 10,040 एंड 9,980। आपको अगर वीकली बेसिस ट्रेड करना है तो आपको 9,960 और 40 लेवल पे 50 लेवल पे आपको मैक्सिमम एंड मेजर सपोर्ट रखना होगा। ये था आज का निफ्टी का व्यू। कुछ स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने कुछ स्टॉक भी टाइम निकाल के कुछ देख लिया हूँ, तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट कुछ वीडियो में अपलोड करूँगा। आज के लिए, इस वीडियो के लिए ये रिव्यू यही ख़त्म करते हैं। मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक दबाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।